सियासी पिच पर इमरान का सिक्सर। किसने रचा फिर से ताजपोशी का खेल? इमरान के कमाल से क्या होगा धमाल? इमरान के गेम में कैसे फंस गई विपक्षी टीम? क्या जनरल बाजवा ने रचा पूरा सियासी खेल? पाकिस्तान मुल्क में फिर एक बार राजनीतिक बवाल काफी बढ़ गया है। इमरान खान सरकार के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर द्वारा खारिज करने के बाद कई वीडियो भी सामने आए हैं। इमरान खान लगातार इसको विदेशी ताकत द्वारा विपक्ष के साथ मिलकर रची गई एक साजिश बता रहे हैं। वहीं इमरान खान संसद को भंग करवाकर आम चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इमरान इससे अपना मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि पीएम इमरान का यह फैसला आत्मघाती जरूर है, लेकिन पाकिस्तानी सेना प्रमुख एक बार फिर से अपने प्यादे को चुनाव में जीत दिला सकते हैं। पाकिस्तान में सत्ता की डोर हमेशा से ही सेना के हाथों में रही है और जनरल कमर जावेद बाजवा उन्हें आम चुनाव के बाद सत्ता में फिर से ला सकते हैं। पाकिस्तान में कई लोगों का मानना है कि इमरान खान फिर से चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह सेना है। पाकिस्तान सेना को कोई ऐसा मिलेगा नहीं जो उसके आदेशों को इतनी आसानी से मान ले और उसी में खुश रहे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और अब पाकिस्तान एक और चुनाव की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ जहां इमरान खान अमेरिका पर उनकी सरकार को गिराने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं जनरल बाजवा अमेरिका के साथ रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं। अभी यह संभव है कि पाकिस्तानी सेना एक लोकतांत्रिक चुनाव होने दे और उसके बाद फिर से इमरान खान को सत्ता में बैठा दे। इस बार इमरान खान का सिर झुका हुआ होगा और वह सेना के खिलाफ विद्रोह की बजाय उनके आदेशों को मानने के लिए मजबूर होंगे। इस बात का सबूत खुद अपने संबोधन में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में लगातार विपक्ष के नेताओं की अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों से होती रही है। इस बात का सबूत खुद अपने संबोधन में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में लगातार विपक्ष के नेताओं की अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों से मुलाकात होती रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक विपक्ष इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि आखिर ये क्या और क्यों हुआ। इमरान ने कहा कि जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने साफ कर दिया कि इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने में विदेशी ताकत का हाथ था, तो फिर किसी भी सवाल जवाब की जरूरत ही नहीं होती है, न ही ये कहने की जरूरत है कि हमारे पास नेशनल असेंबली में कितने नंबर थे। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी संकट पर हर किसी की नजर है। आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है ये देखने वाली बात होगी। इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के लिए देखते रहें K9 मीडिया।